हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड्स, हिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम लोग 10 क्वेश्चन को रिवीजन करेंगे और वो 10 क्वेश्चन आपके दिमाग में भी छपने वाला है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद, तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है इस चैप्टर से, पहला क्वेश्चन, ठीक है, कि भारत में स्वतंत्रता संग्राम कब शुरू हुआ। पहला क्वेश्चन कि भारत में स्वतंत्रता संग्राम कब शुरू हुआ, तो 1857 ईस्वी में। कब? 1857 में, 1857 में। ठीक है, आपसे दूसरा क्वेश्चन होगा, जैसे क्या होता है कि देश के लिए संग्राम शुरू हो गया था, लेकिन देश के प्रति लोगों के अंदर देशभक्ति भावना जागृत करने के लिए गीत की जरूरत पड़ेगी, और जब तक गीत नहीं होगा तब तक लोगों के अंदर भावना कैसे जागेगा। हम लोग गीत सुनते हैं ना, जब ठीक वैसे ही जब आप गम में हो जाते हैं तो गम वाला गीत सुनते हैं, सैड सॉन्ग। जब इंजॉय में रहते हैं तो इंजॉय वाला सॉन्ग सुनते हैं, तो जब कोई प्यार में धोखा खाता है तो धोखा वाला गीत सुनता है। तो देश के प्रति भावना को जागृत करने के लिए, देशभक्ति भावना को जागृत करने के लिए एक देशभक्ति गीत होना चाहिए ना, तो वंदे मातरम। ठीक है, वंदे, तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा वंदे मातरम गीत की रचनाकार कौन थे, तो बंकिम चंद्र उपाध्याय। कौन थे? बंकिम चंद्र उपाध्याय। कब लिखे थे? तो ये लिखे थे 1870 में। कब लिखे थे? तो 1870 ईस्वी में। फिर आपसे तीसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि कांग्रेस का स्थापना कब हुआ, तो कांग्रेस का स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ। कहां पे हुआ कांग्रेस की स्थापना, कहां पे हुई थी, तो मुंबई में हुआ था। कहां हुआ था? मुंबई। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो उमेश चंद्र बनर्जी। कौन बने थे? उमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, आगे क्वेश्चन पूछेगा बंगाल विभाजन का प्रस्ताव किसने लाया था, तो लॉर्ड कर्जन ने। बंगाल विभाजन का प्रस्ताव किसने लाया था? लॉर्ड कर्जन ने। कब लाया था? 1905 में। देख रहे हैं ना, अभी तक आपके कितने क्वेश्चन हो गए? 1905 में पहला क्वेश्चन हुआ था आपका, भारत प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब? 1857। याद रखिएगा कब? 1857। दूसरा वंदे मातरम गीत के रचनाकार कौन थे? तो बंकिम चंद्र उपाध्याय। तीसरा इसी में तीसरा क्वेश्चन कि वंदे मातरम गीत कब लिखा गया, तो 1870 में। चौथा क्वेश्चन कांग्रेस की स्थापना कब हुई, 1885 में। कहां हुई? मुंबई में। किस कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन बने? उमेश चंद बनर्जी। तो 3-3-6 क्वेश्चन, 3-2-5, 5-1-6। ठीक है, आर्यु, बंगाल विभाजन के प्रस्ताव किसने लाया, तो बंगाल विभाजन का प्रस्ताव किसने लाया? लॉर्ड कर्जन ने। कब लाया? 1905 में। कब लाया? 1905 में। याद रखिएगा एकदम ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुई, तो मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 में हुई। मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुई? 1906 में। याद करते जाइएगा, कब हुई? 1906 में। किसने किया था? आगा खां और नवाब सलीमुल्ला। किनके द्वारा किया गया था? आगा खां, नवाब सलीमुल्ला। क्वेश्चन पूछेगा मुस्लिम लीग की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? आगा खां, नवाब सलीमुल्ला के द्वारा। ठीक है, फिर आपसे पूछेगा कांग्रेस का विभाजन कब हुआ, कांग्रेस दो गुटों में कब बढ़ गया, तो 1907 में बढ़ गया। कौन कौन सा गुट में बढ़ गया था? तो एक नरम दल और एक गरम दल। ठीक है, नरम दल और गरम दल दोनों का विचारिक मतभेद था। नरम दल का कहना था कि भैया हम लोग शांति से देश आजाद कर लेंगे, लेकिन गरम दल का कहना था जो लोग शांति की भाषा समझते ही नहीं है, ठीक है, जो लोग शांति की भाषा समझते ही नहीं है उन्हें लत्तम जुत्ता से स्वागत करके लतिया के देश से बाहर करना होगा। मान लिया किसी को प्रेम से बोलेंगे बाबू थोड़ा बाहर चले जाओ कमरे से, नहीं जाएगा तो क्या उसको कहते रहेंगे चले जाओ चले जाओ, नहीं मारो लात से, रात से मारेगा तो चला जाएगा। तो वही हाल है, तो हम कह सकते हैं हमारे देश के आजाद कराने में जितना नरम दल का योगदान रहा उतना ही कह सकते हैं कि गरम दल का भी योगदान रहा। ठीक है, फिर आगे नरम दल का नेता कौन थे? गांधी जी। गरम दल का नेता कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। आगे आपसे पूछा जाएगा कि दिल्ली राजधानी कब बनी, तो 1911 में। इसी क्वेश्चन को दूसरे ढंग से पूछा जाएगा
कि कोलकाता से दिल्ली, भारत का राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित किया गया? 1911 में। कब? 1911 में वहां पे जो है बंगाल विभाजन का जो नीति था उसको रद्द कर दिया गया और कोलकाता से दिल्ली जो है भारत का राजधानी स्थानांतरित कर दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया। फिर आपसे पूछेगा प्रथम, इसके आगे प्रथम युद्ध कब स्टार्ट हुआ था? 1914 में, 28 जुलाई 1914 कब तक चला था? तो 11 नवंबर 1918 तक चला था। फिर आगे की कहानी तो आएगी और उस आगे की कहानी में क्या है कि महात्मा गांधी स्वदेश वापसी कब किए? तो महात्मा गांधी स्वदेश वापसी 1915 में किए। अब चूंकि भैया यहां पे हीरो का एंट्री हो चुका है, जब अब हीरो का एंट्री हो चुका है तब अब यहां पे कुछ मार धार तो होने वाला है, समझ रहे हैं ना? तो मार धार यहां पे होने वाला है। अब ये देखिए यहां से केवल मार धार होगा, ठीक है? एक बार और रिवीजन कर देते हैं। पहला, प्रथम स्वतंत्र भारत का संग्राम कब शुरू हुआ? 1857 में। वंदे मातरम गीत किनके द्वारा रचित किया गया? बंकिम चंद्र उपाध्याय के द्वारा। कब रचित किया गया? 1870 में। कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। कहां हुई? मुंबई में। पहले अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के? तो उमेश चंद्र बनर्जी। आगे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बंगाल विभाजन की नीति किसने लाई? लॉर्ड कर्जन ने। कब ला? तो 1905 में। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? तो आगा खां और नवाब सलीमुल्ला साहब ने। कब की? 1906 में की। फिर आपसे पूछा जाएगा कि कांग्रेस दो गुटों में कब बटा? 1907 में। कौन कौन से गुट? नरम दल और गरम दल। फिर पूछा जाएगा कि कलकत्ता से दिल्ली भारत की राजधानी कब स्थानांतरित की गई? 1911 में। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? 1914 में। 18 जुलाई 1914 से स्टार्ट होकर 11 नवंबर 1918 तक चला था। महात्मा गांधी के स्वदेशी वापसी कब हुई? 1915 में। बिल्कुल इजी ढंग से आप याद कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट और लाइक जरूर कीजिएगा। फिलहाल के लिए हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।